नाबालिगों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना सावनेर थाना सीमा क्षेत्र से सामने आई है। सावनेर थाना के अपराध शाखा को क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर 22 वर्षीय आरोपी विशाल उर्फ ऋतिक धनराज कछवा को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल ने अपने दो नाबालिगों साथी के साथ सीमा क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी की इस बात की कबूली दी है। साथ ही आरोपी के पास से 95,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी में विशाल उर्फ ऋतिक धनराज कछवा के साथ कुणाल चंद्रभान ढोके, जतिन प्रभाकर बागड़े का समावेश है। आरोपियों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिलें जब्त की गई। उक्त अपराध की जांच हवालदार राजेश हवेरे कर रहे हैं। उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप पखाले के मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी बापू रोहम सा, सावनेर थानेदार रविंद्र मानकर के नेतृत्व में सहायक थानेदार शरद भस्मे, राजेश हावरे, सुरेंद्र वासनिक, रवि मेश्राम, रविंद्र चटक कार्रवाई को अंजाम दिया। उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के मामले धरे गए मोटरसाइकिल चोरों से और भी मामले उजागर होने का तथा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी बिक्री के बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन सागर में पिछले महीने में और ये महीने में 12 मोटरसाइकिल चोरी के दाखिल हुए और हमें गोपनीय मालूम मिली कि कुछ लोग जैसे अपनी जो बॉर्डर लग के MP वहाँ से आके यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करके लेके जाते हैं, उधर विलेवाट करते। ऐसी गोपनीय माहिती के आधार पे हमने MP मध्य प्रदेश से दो आरोपी और स्थानिक सामने का एक आरोपी, ऐसे तीन आरोपी को ताबे में लिया और अरेस्ट किया। उसके बाद हमने PCR में कबूली दी 5 मोटरसाइकिल्स, यानी कि 5 गुनी की 5 मोटरसाइकिल डिटेक्ट हुई और उसमें 3 आरोपी अरेस्ट किए और एक मुद्देमाल लगभग 1,00,000 के नज़दीक मुद्देमाल उसमें मिला। और अभी भी हमें आशा है कि और कुछ मोटरसाइकिल्स हम उसमें आरोपी से या अदर कुछ गोपनीय इंफॉर्मेशन से उसमें डिटेक्ट करेंगे। तो 3 आरोपी और करीबन 1,00,000 का मुद्देमाल, 5 मोटरसाइकिल हमने डिटेक्ट की हुई है और आगे का तपास चालू है। हमारे DB पतक के NPC मेश्राम, NPC रवि चटक और इतर भी लोग इसमें तपास कर रहे हैं। महाराष्ट्र TV 24 के लिए किशोर ढुंडेले, सावनेर।